नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद मलिक में। आज हम 13 अप्रैल 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 12 अप्रैल, 10 अप्रैल, 9 अप्रैल, 5 अप्रैल। इसका सही आंसर है 12 अप्रैल को। हर वर्ष 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। 12 अप्रैल 1961 को सोवियत संघ के नागरिक यूरी गगारिन ने पहली बार अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। इसी के उपलक्ष्य में 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में कोविड-19 के कारण किस पोर्टल में संशोधन किया है? हमारे ऑप्शन है ई काम, ई नाम, ई दाम, ई जाम। इसका सही आंसर है ई नाम। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में कोविड-19 के कारण हालात को देखते हुए ई नाम पोर्टल में संशोधन किया है। यह पोर्टल व्यापारियों को किसी दूरस्थ स्थान से बोली लगाने तथा किसानों को मोबाइल आधारित भुगतान प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटिश फार्मूला वन रेसिंग ड्राइवर स्टर्लिंग मॉस का निधन कितनी वर्ष की आयु में हुआ है? हमारे ऑप्शन 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष, 100 वर्ष। इसका सही आंसर है 90 वर्ष। हाल ही में ब्रिटिश फार्मूला वन रेसिंग ड्राइवर स्टर्लिंग मॉस का निधन 90 वर्ष की आयु में लंदन में हो गया है। ब्रिटिश ड्राइवर ने 1951 से 1961 तक फार्मूला वन में भाग लिया और F1 विश्व चैंपियनशिप में 67 स्टार्स भी बनाए, जिसमें 16 रेस भी जीती और 16 पोल पोजीशन और 24 पोडियम पोजीशन भी हासिल किए। सर स्टर्लिंग मॉस को वर्ष 1961 में BBC की स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर भी दिया गया। एक शानदार करियर में उन्हें मस्टरीज बेज, मासेराती, वनवाल, रोब वॉकर की प्राइवेट कूपर टीम और लॉर्ड्स के लिए रेस लगाई। लोगों ने प्यार से मिस्टर मोटर रेसिंग भी कहते थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 13 अप्रैल, 12 अप्रैल, 10 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को प्रतिवर्ष जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत के इतिहास में एक नरसंहार का दिन माना जाता है। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर में है, एक सभा की गई जिसमें कुछ क्रांतिकारी नेता भाषण देने आ रहे थे, परंतु अंग्रेजी हुकूमत ने वहां पर गोली चलवा दी जिसमें हजारों लोगों की जानी चली गई और ये गोलियां जनरल डायर के कहने पर चलाई गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में किस देश को ऊर्जा की खपत का प्रमुख केंद्र घोषित किया गया है? हमारे ऑप्शन चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत। इसका सही आंसर है भारत को। G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भारत को ऊर्जा की खपत का प्रमुख केंद्र घोषित किया गया है। भारत पहले से ही ऊर्जा की खपत का प्रमुख केंद्र रहा है। इस बैठक में मांग की कमी, उत्पादन अधिवेश के बीच स्थिर ऊर्जा बाजारों को सुनिश्चित करने के तरीकों पर चर्चा की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के श्रम निकाय के मुताबिक कोविड-19 के कारण किस देश में लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं? हमारे ऑप्शन है चीन, जापान, इटली, भारत। इसका सही आंसर है भारत। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट ILO निगरानी के दूसरे संस्करण के मुताबिक भारत में इस वर्ष कोविड-19 के कारण अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं। हमारे अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कॉमेडियन टीम ब्रक टेलर का निधन हाल ही में किस उम्र में हुआ है? हमारे ऑप्शन है 79 वर्ष, 75 वर्ष, 85 वर्ष, इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 79 वर्ष। कोरोना वायरस के कारण ब्रिटिश के मशहूर कॉमेडियन टीम ब्रूक टेलर का निधन हो गया है। वे 79 वर्ष के थे। ब्रूक टेलर गुडीज के नाम से मशहूर हास्य कलाकारों की तिकड़ी के सदस्य थे। उन्होंने 1960 में टीवी और रेडियो पर कॉमेडी शुरू की थी। ब्रूक टेलर ने गुडीज के तौर पर ग्रीन गार्डन बिल ओडी के साथ काम किया। इसके अलावा 1975 में आया उनका गाना फंकी गिबन खास मशहूर हुआ था। कॉमेडियन टीम ब्रूक टेलर 1970 के प्रसिद्ध शो द गोडीज एंड आई हैव नॉट ए क्लू के लिए बहुत लोकप्रिय थे। हमारा अगला प्रश्न है, इंग्लैंड और चेल्सी के पूर्व गोलकीपर पीटर वोनेटी का निधन हाल ही में किस उम्र में हो गया है? हमारे ऑप्शन 68 वर्ष,
80 वर्ष 85 वर्ष इसमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर है 78 वर्ष की आयु में। इंग्लैंड और चेल्सी के पूर्व गोलकीपर पीटर वोनेटी का निधन 78 वर्ष की आयु में हो गया है। वह इंग्लैंड की 1966 विश्व कप जेता टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। उन्हें पश्चिम जर्मनी द्वारा 1970 विश्व कप क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। उनकी सुरक्षित हैंडलिंग, तीव्र सजगता और उनकी सुंदर शैली के कारण उन्हें द कैट के नाम से जाना जाता है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में फूड बैंक पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार ने शुरू की है। हमारे ऑप्शन है मणिपुर, महाराष्ट्र, मेघालय, मध्य प्रदेश। का सही आंसर है मणिपुर राज्य ने। मणिपुर सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के खतरे को देखते हुए फूड बैंक नामक एक नई पहल आरंभ की है। यह पहल गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन जैसी तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, जिन्हें लंबे समय तक राज्य में लॉकडाउन के कारण जरूरी वस्तुओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह, इसके राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने युक्ति नाम से वेब पोर्टल लॉन्च किया है। हमारे ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में वेब पोर्टल युक्ति लॉन्च किया है। युक्ति की फुल फॉर्म है यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इस वेब पोर्टल और डैशबोर्ड पर मानव संसाधन विकास मंत्रालयों के प्रयासों और पहलों की निगरानी की जा सकेगी। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य बेहद समग्र और व्यापक तरीके से COVID-19 की विभिन्न चुनौतियों के विभिन्न आयामों को कवर करना है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल पेट डे दिवस कब मनाया गया है। हमारे ऑप्शन है 11 अप्रैल को, 12 अप्रैल को, 13 अप्रैल को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 11 अप्रैल को, और यह दिवस केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय पेट डे दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पालतू जानवरों के लिए समर्पित है। इस दिन लोग अपने पालतू जानवरों को प्यार देने के लिए अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालते हैं। इस दिन की शुरुआत 2006 में कोलिन पेगे ने की थी। पेगे एक प्रसिद्ध पशु कल्याण अधिवक्ता व जीवन शैली विशेषज्ञ थे। यह दिवस विश्व में आश्रयों में स्थित जानवरों की स्थिति को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से SCIR NCL ने किसके साथ इंफ्रारेड थर्मामीटर और OEU विकसित करने के लिए समझौता किया है। हमारे ऑप्शन DRDO, NTPC, बैल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बैल। हाल ही में CSIR NCL ने बैल के साथ इंफ्रारेड थर्मामीटर और OEU विकसित करने के लिए समझौता किया है। OEU की फुल फॉर्म है ऑक्सीजन संवर्धन इकाई, CRC की फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। CSIR की स्थापना कब की थी, 26 सितंबर 1942 को। NCL की फुल फॉर्म है नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड, इसकी स्थापना नवंबर 1985 में। इसका मुख्यालय है सिंगरौली, जो कि मध्य प्रदेश में है। बैल की फुल फॉर्म है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। हमारा अगला प्रश्न है, G20 देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कब आयोजित की गई है। हमारे ऑप्शन 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 10 अप्रैल को। हाल ही में G20 देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक 10 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब ने की। इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज ने की। इसमें ओपेक, IEA और IEF सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख ने भी हिस्सा लिया। इस बैठक में स्थिर ऊर्जा बाजारों को सुनिश्चित करने के उपायों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बैठक की गई। इसमें भारत की ओर से केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हिस्सा लिया। मरगला प्रश्न है, पहला भाग शुरू मास सैनिटाइजेशन टनल किस स्टेशन ने स्थापित किया है। हमारे ऑप्शन है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, अबीगंज रेलवे स्टेशन, मुंबई रेलवे स्टेशन, पठानकोट रेलवे स्टेशन। इसका सही आंसर है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन ने। कालूपुर में स्थित अहमदाबाद रेलवे स्टेशन ने वॉक टू मास सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाला देश का पहला स्टेशन है। मंडल रेल प्रबंधक दीपक झा द्वारा अंतिम
निरीक्षण के बाद ऑपरेशन के लिए सुरंग खोली गई। सुरंग के बड़े पैमाने पर सफाई से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि कालूपुर में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर COVID-19 महामारी स्टाफ और यात्रियों तक नहीं फैली है। हमारा अगला प्रश्न है, 2009 में किस देश में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए आवेदन किया है? हमारे ऑप्शन चीन, जापान, भारत, अमेरिका। इसका सही आंसर है चीन। इसमें चीन पहले नंबर पर और अमेरिका दूसरे नंबर पर है। चीन ने 2019 में दुनिया में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए आवेदन किया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना के बाद से 4 दशकों तक अमेरिका द्वारा शीर्ष स्थान हासिल किया जाता था। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दायर 57,840 आवेदनों की तुलना में 2019 में चीन से 58,990 आवेदन दायर किए गए। शुरू के 4 दशकों तक संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शीर्ष स्थान हासिल करता था, परंतु 2019 में इसमें शीर्ष स्थान चीन ने हासिल किया है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे YouTube चैनल टारगेट विद मलिक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।